राजस्थान में सीएम फेस बीजेपी ने कर दिया तय। राजस्थान में बीजेपी करेगी नया प्रयोग, मोदी ही रहेंगे केंद्र में। हर जिले में पीएम मोदी की होगी सभा, सभी 200 सीट होगी कवर। पार्टी की गुटबाजी को समाप्त करने के लिए मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी। राजस्थान में कांग्रेस में जितनी गुटबाजी है उससे ज्यादा गुटबाजी बीजेपी में दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान नया प्रयोग करने जा रहा है और इसके केंद्र में पीएम मोदी ही रहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसमें प्रदेश के हर जिले में पीएम मोदी की एक सभा कराने की तैयारी चल रही है। अभी तक किसी भी राज्य में बीजेपी ने इस तरह का प्रयोग नहीं किया है। इसे लेकर केंद्र नेतृत्व ने हर जिले में सूचनाएं मंगवाना भी शुरू कर दिया है। इससे साफ है कि बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि अगर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो प्रदेश के नेताओं में चल रही गुटबाजी का असर चुनावों पर भी नहीं पड़ेगा। वहीं बीजेपी की नज़र विधानसभा चुनावों के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25 लोकसभा सीटें जीती थी। इसी परफॉर्मेंस को तो साल 2024 के चुनाव में भी दोहराना चाहती है। पीएम मोदी की सभाओं को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जिले के राजनीतिक समीकरणों की भी जानकारी मांगी गई है। हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व से जो जानकारी मांगी है उसमें सवाल किए गए हैं, किस जिले में पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, उम्मीदवार का जीत हार का अंतर क्या रहा, बीजेपी की हार के प्रमुख कारण क्या रहे थे, इसके साथ ही जिले के जाति समीकरण क्या कहती हैं, जिले के विधानसभा सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार कौन कौन हैं, किन जिलों में बीजेपी को पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिले की मुख्य समस्या क्या है, बीजेपी शासन में क्या विशेष से काम हुआ। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 33 जिलों में से 7 में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था और इन 7 जिलों में मिली बढ़त के चलते राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन पाई थी। जिन जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था वहां सचिन पायलट का जबरदस्त प्रभाव है और इस बार बीजेपी इस स्थिति को पलटना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिलों में सभाओं की शुरुआत 31 मई की अजमेर जिले से करेंगे। एनडीए की सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सभा हो रही है। अजमेर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में पीएम मोदी की सभा के लिए सबसे पहले अजमेर जिले को चुना गया है। पिछले विधानसभा चुनावों में अजमेर जिले की 8 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हालांकि अजमेर संभाग की 29 में से 13 सीटों पर ही बीजेपी चुनाव जीत पाई थी। बाकी सीटों में से 13 पर कांग्रेस, 2 आरएलपी और 1 सीट पर निर्दलीय ने चुनाव जीता था। ऐसे में इस बार बीजेपी पहले उन जिलों में पीएम मोदी की सभाएं करवा सकती है जहां वो मजबूत है। वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर उन सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं होगी जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में है। जयपुर शहर में सांसद रामचरण बोहरा ने कहा है कि पीएम मोदी की सभाओं को लेकर हमसे जानकारी मांगी गई थी। इसमें पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए कामों की जानकारी भी शामिल है, जिससे जब पीएम आए तो शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम करवाए जा सके। ये जानकारी हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को भिजवा दी है। दरअसल इस साल की आखिरी में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य में बीजेपी के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा गुट सीएम उम्मीदवारी पर दावा ठोक रही हैं, जिसे सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है। दूसरी ओर बीजेपी राज्य में नया नेतृत्व तैयार करना चाहती है, लेकिन 5 साल में प्रदेश में नया नेतृत्व तैयार नहीं हो पाया है। इस बीच वसुंधरा की सक्रियता ने भी पार्टी को चिंता में डाल रखा है। वसुंधरा सीधे सीधे तो सीएम उम्मीदवारी का दावा नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके समर्थकों की ओर से ये जरूर दावा किया जा रहा है कि अगर वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो राजस्थान में बीजेपी आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।